नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों के 10वें गुरु नानक देव के थाईलैंड जाने को लेकर बयान पर भारत में घमासान छिड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि उनके बयान पर अब बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कब तक हम उनकी बेवकूफियों को माफ करते रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के 10 दिवसीय दौरे पर हैं। वो आपको बता दें कि उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को से की थी और इसके बाद वो अब लगातार दौरों पर दौरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी सैन फ्रांसिस्को में जब भारतीय मूल के लोगों को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मुझसे पहले भी गुरु नानक जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। उन्होंने कहा था, मैंने कहीं पढ़ा था वे भारत से मक्का गए थे जो कि सऊदी अरब में है, उसके बाद वे थाईलैंड गए थे, वहां से श्रीलंका। तो उन दिग्गजों ने मुझसे बहुत पहले भारत जोड़ो यात्रा की है जब मैंने जन्म भी नहीं लिया था। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी के इसी बयान पर अब सिरसा में ट्वीट करके, प्रिय राहुल गांधी, हम आपकी बेवकूफियों को कब तक माफ करते रहेंगे? क्या आप बता सकते हैं कि आपने ये कहां पढ़ा है कि गुरु नानक थाईलैंड गए थे? क्या धार्मिक मामलों में आपसे समझदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती? आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के 3 शहरों की यात्रा के लिए मंगलवार को यूएस पहुंचे। वहां उन्होंने बुधवार को संता क्लारा में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करते हुए राहुल ने कहा, बीजेपी को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। वे इतिहासकारों को इतिहास, वैज्ञानिकों को विज्ञान और सेना को युद्ध लड़ने के तरीके बता सकते हैं। यहां तक आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए ये तक कह दिया था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान के बगल में बिठा दें तो वो भगवान को भी समझाने लगेंगे कि इस दुनिया को कैसे चला रहे। और बस क्या था, राहुल गांधी के इस बयान पर अब भारत में विवाद छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी के बयान एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हालांकि इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।